जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो भूल करके देख सकते हैं किस तरह से ये पठान मूवी में अपना बेशरम रंग को दिखा। सुनो सुनो समस्त जी करके द कश्मीर फाइल नहीं देखा था, उसी प्रकार सनातनियों याद रखो कश्मीर फाइल को, तुम्हारे कश्मीर फाइल को उसने नहीं देखा था। अगर तुमको देखना होगा तो तुम वही पोस्टर के बगल में खड़ा है श्रद्धा के हुए 35। हमारे साथ कुछ भाई है, बात करेंगे आखिर हैशटैग बॉयकॉट पठान क्यों, ऐसे बॉलीवुड चरस और गांजे के वजह से हम सभी सनातनी, मैं और अभिषेक भाई आज यहाँ पे एकजुट है, न्यूक्लियर मॉल के सामने खड़े हैं और कई लोग देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि आखिर पागल है क्या, इस श्रद्धा के 35 टुकड़े, रूबिका के 50 टुकड़े, ये पोस्टर लेकर घूम रहे हैं आप, पागल है क्या? पागलों की संख्या कम ही होती है तो हम पागल ही है। नमस्कार, सफर सच में आप सभी साथियों का स्वागत है। अभी हम राजधानी रांची में मौजूद हैं और हमारे पीछे देख रहे हैं न्यूक्लियस मॉल है और न्यूक्लियस मॉल के समीप हमारे कुछ हिंदू भाई यहां पे मौजूद हैं जो भगवा और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और ऐसे व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो एक पोस्टर लिए खड़ा हुए हैं और इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि हैशटैग बॉयकॉट पठान। डू यू मीन्स बाय हैशटैग बॉयकॉट पठान, आपको पता है कि बॉयकॉट पठान क्यों किया जा रहा है? यहाँ पे दीपिका पादुकोण जो है अपनी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो भूल करके देख सकते हैं किस तरह से ये पठान मूवी में अपना बेशरम रंग को दिखा रही है और बेशरम तस्वीर को दिखा रही है। उसी तस्वीर के साथ कुछ युवक हमारे समक्ष मौजूद हैं जो कि अपने हिंदू संस्कृति सभ्यता को जगाने निकले हैं, एक अलग जगाने निकले हैं और हमारे समक्ष वही हिंदू संस्कृति सभ्यता के बचाने वाले युवा साथी हमारे साथ मौजूद है और एक तरफ पोस्टर के बगल में खड़ा है श्रद्धा के हुए 35 टुकड़े। कितने टुकड़े? 35 टुकड़े। और रूबिका कटी 50 में भेड़ियों को पहचानो बहनों, जो है आदमी के लिबास में। अब इसका मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे, हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे जिला में और हमारे गाँव में आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती है, दिल दहला देने वाली सामने आती है घटना, देख सकते हैं, जो कि एक परिवार को, एक समाज को, एक देश को, एक राज्य को रोना पड़ता है और शर्म से डूब मरने का मन करता है लोगों को। वैसे ही युवा साथी हमारे साथ मौजूद है और इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा आखिर ये पोस्टर लेके रोड में क्यों खड़े। हम लोग तो सबको जानते हैं भाई, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, ये चरस, ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये सरुखवा, ये जितना दीपिका और इसका हस्बैंडवा, साला शर्म करो रे, मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के मरो, लेकिन जानते हो अपनी बीबी को तुम ये बेशरम तस्वीर जो दिखा रहे हो और जनता के बीच जाने के लिए बोलती हो, अभी तुम गया फीफा में, तुम्हारा पत्नी जो गई फीफा में, जानते हो क्या फर्क पड़ता है हमारे देश के हिंदू संस्कृति सभ्यता में? आप नहीं जानते यदि तो अपनी बीबी को ये नुमाइश करने के लिए नहीं भेजते तुम किसी और के साथ और तुम सपोर्ट करते हो उसको। हमारे साथ कुछ भाई है, बात करेंगे आखिर हैशटैग बॉयकॉट पठान क्यों, ऐसे बॉलीवुड चरस और गांजे के बॉलीवुड को बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले अमन जी स्वागत है आपका। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भाइयों को मेरा जय श्री राम हर महादेव। जय श्री राम हर महादेव। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक अभी भाई ने जितनी बातों को आप लोगों के सामने रखा एकदम सही बात रखा, इसी के वजह से हम सभी सनातनी, मैं और अभिषेक भाई आज यहाँ पे एकजुट है, न्यूक्लियर मॉल के सामने खड़े हैं और कई लोग देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि आखिर यहाँ तमाशा क्या चल रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा ये तमाशा नहीं चल रहा है, अरे मूर्खो तुम्हारे पैसे को यूज किया जाता है, तुमको मूर्ख बनाया जाता है और तुम्हारे ही बहन बेटियों को नग्न करके नचाया जाता है और तुम्हारे भगवई का इस्तेमाल किया जाता है और बोला जाता है बेशरम रंग। अच्छा अमन जी, ये भगवा जो है शांति का और सुख का प्रतीक है लेकिन इसको आजकल इसमें यूज करता है, क्या कहना चाहेंगे इन भड़ुए कलाकार को आप? मैं ये कहना चाहूंगा इन लोगों को, ये जो हगला खान हम लोग के पास में, जिसको हमने शाहरुख खान बनाया, उसको वापस हम लोग हगला खान बनाने का मुहिम चला चुके हैं और ये मुहिम इतने तेज से चली है क्योंकि ये अपनी वाली को इस तरह से नहीं करेगा, ये रणवीर वाली को यूज किया है, बात को समझिए, लेकिन रणवीर का दिमाग को ऐसा मैनिपुलेट कर दिया गया है, वो है बुड़बक लड़का,
समझ रहे हैं ना, जैसे बहुत बुड़बक लोग देख के उसमें कमेंट में आते हैं, बोलते हैं पठान का बहिष्कार क्यों करे, वहाँ भोजपुरी गाना में तो वहाँ फलना नहीं रहुआ पहना था, वहाँ बाबा रामदेव फलना पहने थे। अरे मूर्खों, तुम्हारा भगवा रंग को पहना आया है और वही गर्व हम बोल रहा है बेशरम रंग, मतलब तुम्हारा वाला जो ये रंग है ना वो बेशरम रंग है। अगर तुम में थोड़ी सी भी लाज लज्जा है, जो तुम बनियान का फोटो कमेंट में डालते हो ना भगवा रंग का बनियान, अरे मूर्ख कहीं का, तुम किसका डाल रहा है रे? तुम वही लोग है जब औरंगजेब, बाबर और जितने भी मुगल आक्रमण करता हमारे देश में आक्रमण किए थे और उसके उसके सेना में तुम ही लोग शामिल थे जो भगवा रंग का चड्डी भेजते हो आज कमेंट। कुछ कुछ कलाकारों को और भड़ुआ कलाकार बोलेंगे उसको, भड़ुआ कलाकार, भड़ुआ बॉलीवुड, भड़ुआ चर्सी, कुछ सीखो, कुछ सीखो अवतार मूवी से, कुछ सीखो हॉलीवुड मूवी से, सीखने की जरूरत है तुम्हें, क्योंकि तुम जिस पथ पे उतरे हो, तुम जिस राह पे उतरे हो, साला 200 करोड़ का मूवी का लागत है और 2,000 करोड़ का मूवी देखो किसे देश विदेश में, पूरे देश में डंका बजा रहा है। जानते हो अवतार मूवी में कोई संस्कृति, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई एक भी वर्ड यूज हुआ है? उसके बावजूद भी आज 60,000 करोड़ की कमाई की है आज। और कितने दिन हुई रिलीज होने में अवतार 2 मूवी के बारे में आप जानते हैं? अवतार 2 के बारे में आप लोग को पता होगा अच्छे से, जबकि कोई धर्म, कोई संस्कृति दिखाना है तो दिखाओ, मॉडर्न टाइम को दिखाना है तो दिखाओ टाइम, कुछ साइंटिस्ट, कुछ इंजीनियर, उनके बारे में देखो। हमें हमेशा देखने को मिलता है इन बॉलीवुड चर्सी और कलाकारों के माध्यम से कि हमारे संस्कृति को, हमारे भारत की अछूतता को हमेशा नष्ट करने में लगे हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवतार 2 मूवी के बारे में और यस हैशटैग बॉयकॉट पठान मूवी के बारे में, ये बताइए। मैं ये बताना चाहूंगा, मैं अवतार को छोड़िए, मैं तो कश्मीर फाइल में आता हूँ, मात्र 14-15 करोड़ की पिक्चर थी, अभी से एक भाई ने पूरा जोर लगाया, हमने भी हजारीबाग में जोर लगाया और ऐसे कई सनातनी ने जोर लगाया, सभी सनातनी एकजुट हो गए और हजार हजार करोड़ की कमाई उसको करा। इस मूवी को हम लोग 5 करोड़ भी पार नहीं होने देंगे, समझ गए बात को ना? जिस प्रकार से उन लोगों ने गुटबाजी करके द कश्मीर फाइल नहीं देखा था, उसी प्रकार सनातनियों याद रखो कश्मीर फाइल को, तुम्हारे कश्मीर फाइल को उसने नहीं देखा था। अगर तुमको देखना होगा तो तुम वही गैंग के लोग हो जो मुगल के सेना के साथ शामिल होकर के हिंदुओं को काटने का काम किए थे। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा आप तमाम साथियों से, आप तमाम भारत के वासियों से, कि जिस तरह से हमारे संस्कृति और सभ्यता से सभ्यता के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसी तरह से इनके मूवियों के साथ हम लोग फुटबॉल खेलेंगे और वॉलीबॉल खेलेंगे। क्या खेलेंगे? फुटबॉल और वॉलीबॉल। अभी अभी हमारे साथ एक और भाई मौजूद है और इनके हाथ में ये पोस्टर दिख रहा है, श्रद्धा के हुए 35 टुकड़े। अब थोड़ा सा इनसे भी जानेंगे कि आखिर अभिषेक भाई ये पोस्टर लेके घूम क्यों रहे हैं, पागल वागल है क्या? हाँ अभिषेक भाई, आप पागल है क्या? इस श्रद्धा के 35 टुकड़े, रूबिका के 50 टुकड़े, ये पोस्टर लेकर घूम रहे हैं आप, पागल है क्या? पागलों की संख्या कम ही होती है तो हम पागल ही हैं। हमेशा यही कहा जाता है कि आप पागल हो, अमन भाई आप पागल हो, ये गदा और ये पोस्टर ये टांग करके घूम रहे हैं, इसको पागल ही साबित किया। चार व्यक्ति ज्यादा है इसलिए उस साइड खड़े हैं, हम लोग पागल हैं इसलिए हम लोग इस साइड खड़े। आप लोग सब अनपढ़ हो क्या? अनपढ़ हो? अरे यार क्या आप लोग अनपढ़ हो क्या? नहीं, तो आप लोग पीछे क्यों खड़े हो? इधर सब कोई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे वैसे भाई आप इस श्रद्धा के मामले को लेकर के? उसका मनोबल ऊंचा करना चाहिए सरकार को कि अभी मानवता उसमें बची हुई थी उस अपराधी में, कि उसने मिक्सी में पीस कर उसका जूस नहीं बनाया और उसे पी नहीं गया, ताकि अभी कम से कम शरीर का टुकड़ा मिल तो रहा है ना, बाद में बाथरूम में फ्लश कर देगा उसको पी के। अभी ऐसा भी घटना देखने को मिलेगा आगे चल के देश भर में, और झारखंड में तो अभी लगातार ही चल रहा है, अंकिता के बाद से तो लाइन लग गया है। और जितना अभी ताज़ा में रूबिका वाला भी घटना देख रहे हैं, टुकड़ा का गिनती बढ़ते आ रहा, संख्या बढ़ते जा रहा है। एक केवल झारखंड में नहीं, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कहीं भी हो आप, कोई भी राज्य में जाओ, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बिहार का भी घटना इसी तरह से हुआ था और ऐसे ही कई टुकड़ों से एक महिला की स्तन को काटा गया। क्या शर्म नहीं आता हम लोगों को? हमारे राज्य में रहते हुए ऐसे ऐसे घटनाएं होती है, आम पब्लिक के होते हुए भी ऐसे घटना होती है, शर्म करके डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्या कुछ मांग रखते हैं इनके बारे में आप? से 5 करोड़ रुपया सरकार मुआवजा दे और जो घटना इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करार देकर इसको 1 महीना फास्ट ट्रैक कोर्ट से फांसी का सजा मिलना चाहिए, ताकि लोगों को संदेश जाए कि इस तरह का घटना नहीं करना। ऐसे लोगों को फांसी की नहीं, ऐसे बीच चौराहे में लोगों के सामने सीधा गोली मार देना चाहिए।
फांसी दूर की बात, और फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत समय लगेगा। यहाँ तो बहुत है, फांसी भी दे रहे तो बहुत है, चौराहा वाला तो यहाँ हो नहीं सर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। बाकी ये हमारा ग्राउंड जीरो का रिपोर्टिंग आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड।